तो भाई साहब कैसे हैं आप सब। तो कुछ दिनों पहले कॉलेज की तरफ से एक सर्कुलर आया जिसमें बोला गया था कि हमें कॉलेज के लिए एक छोटी सी वीडियो शूट करनी है। अब ये सुनने के बाद कुछ दोस्त बोल रहे थे एक ब्लॉग शूट करना है, ब्लॉग आ गया तो यहाँ पे मुझे लगा कम से कम 4 से 5 मिनट की एक वीडियो शूट करनी होगी जिसमें हमें कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना होगा एंड जो भी फैसिलिटीज़ कॉलेज हमें प्रोवाइड करता है वो सब हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, बट ये एक्साइटमेंट कुछ टाइम के लिए थी। यानी कि जब हमने टीचर से इस बारे में डिस्कशन की तो वहाँ से पता चला कि सिर्फ 20 से 30 सेकंड की ही वीडियो हमें यहाँ पे शूट करनी है। अब दिक्कत ये आ रही थी कि 20 से 30 सेकंड में कॉलेज के बारे में हमें बोलना था, तो 20 से 30 सेकंड में हम क्या ही बोल पाएंगे, क्या एक्सपीरियंस हम अपना 20 से 30 सेकंड में सिर्फ यहाँ पे शेयर कर पाएंगे। काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें फेस हो रही थी। तो उसके बाद मैंने प्लानिंग की कैसे हमें यहाँ पे वीडियो शूट करनी है, क्या क्या हमें यहाँ पे वीडियो में बोलना है, एंड उसके लिए मैंने आइडियाज लिए यूट्यूब से। यानी कि मैंने यूट्यूब पे काफी सारी टेस्टिमोनियल्स वीडियो देखी जिनमें मैंने देखा कि क्या क्या एक्सपीरियंस हम अपना शेयर करते हैं टेस्टिमोनियल्स वीडियो में। तो काफी सारे आइडियाज यहाँ से मुझे मिले एंड उसके बाद मैंने एक अच्छी सी स्क्रिप्ट रेडी की अपनी वीडियो के लिए। तो उसके बाद मैंने प्लानिंग की कहाँ वीडियो शूट करनी है, क्योंकि वीडियो का बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा मैटर करता है ऑडियंस के लिए। तो इक्विपमेंट जो भी मैंने यूज किए थे वो था मेरा स्मार्टफोन जो कि मैं यूज करता हूँ Redmi Note 10 Pro, एंड साथ ही दो माइक्स थे बोया BY-M1 एंड बोया BY-MM1+, एंड साथ ही एक गोरिल्ला पॉड जिसकी हेल्प से वीडियो स्टेबल रहे। तो चलिए अब करते हैं ब्लॉग का श्री गणेश। हैं ग्राउंड की तरफ एंड यहाँ पे हमें शूट करनी है टेस्टिमोनियल वीडियो। तो फिलहाल इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है एंड मेरा फ्रेंड है विपिन सौरभ, सब ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो फिलहाल हमें शूट करनी है यहाँ पे टेस्टिमोनियल वीडियो जो कि अराउंड 20 से 30 सेकंड की होगी, एंड बाकी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्टिमोनियल वीडियो में पार्टिसिपेट किया है, यानी कि उनको भी शूट करनी है, बट वो अंदर ही यानी कि जो बिल्डिंग है उसके अंदर ही शूट कर रहे हैं अभी। एंड हमें यहाँ पे मतलब बाहर ज़्यादा बेटर लग रहा था क्योंकि कॉलेज का जो बिल्डिंग है वो बाहर से थोड़ी दिखनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा क्यों ना बाहर से ही बिल्डिंग का जो टेस्टिमोनियल वीडियो है बाहर से शूट की जाए, ताकि जो बिल्डिंग का एंट्रेंस है या फिर जो मेन बिल्डिंग है यहाँ की वो वहाँ पर सही से दिखे। तो चलिए फिलहाल करते हैं अभी हम टेस्टिमोनियल वीडियो को शूट। अरे अब हाइट के हिसाब से ऐसा छुन झुक के करूंगा तो हाथ तो नीचे कर सकता है ना, छक्का भी दिखे। अरे तो एक काम करना, ऐसे पकड़ लेना ऊपर वाली जो स्ट्रिप है उसको ऐसे पकड़। वो माइक यूज में है क्या? नहीं है तो निकाल नहीं सकते। हेलो, माय नेम इज सौरभ, आई एम फ्रॉम वैशाली न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिस कॉलेज प्रोवाइड ग्रेट फैकल्टी एंड द फैकल्टी ऑफ दिस कॉलेज इज सपोर्टिंग नेचर। दिस कॉलेज ऑल्सो प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स। थैंक यू। Hello everyone, my name is Vipassal and I am pursuing degree from Sanskar Education. There are so many companies that recruit students like Infosys, HCL, Wipro, Yahoo, Dr. Reddy, etc. Being a student at Sanskar Education Group has been a surreal experience. More confident, self-independent and able to make my decisions now. I'm really sure that if you Being a student at Sanskar Education Group has been a surreal experience. Firstly, I learned how to be more confident, by which I realized that Hello everyone,
मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं यहाँ पे संस्कार कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे बी फार्मा कर रहा हूँ करीबन 6 महीने से। मैं यहाँ का फर्स्ट ईयर बैच 2022 से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे नई दिल्ली से रोज़ आता हूँ। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम आने के लिए बहुत ही बढ़िया है, हाईवे रोड है, आपको यहाँ पे लगातार बसें और गाड़ियाँ मिलती रहेंगी आपके ट्रांसपोर्ट के लिए। यहाँ पे जो कॉलेज में आके मुझे सबसे बढ़िया लगा वो है यहाँ का डिसिप्लिन और क्लीनिनेस। आप यहाँ पे अगर डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे रैगिंग बिल्कुल नहीं होती। I am Saurav from Sanskar College of Pharmacy and Research. I am pursuing B.Pharm at Sanskar Educational Group. This college provides great faculty for students and the faculty of this college are supporting in nature and this college also provides transport facility for students. Hello everyone, my name is Vikas Pal. I am pursuing B.Pharm at Sanskar Educational Group. There are so many companies that recruit students like Infosys, HCL, Wipro, Yakult, Dr. Reddy, etc. Being a student at Sanskar Education Group has been a surreal experience. Firstly, I learned how to be more confident. By which I realized that I am more confident, self-independent and able to make my decisions out. I am very sure that anyone who comes to Sanskar Education Group will be different and better individual once they leave the gate for good. Thank you so much. तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली सबका टेस्टिमोनियल सूट हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं क्लास में एंड उसको थोड़ा बहुत एडिट करना है। फ़ोन से तो इतनी अच्छी एडिट नहीं हो पाएगी तो कल कॉलेज में ही एडिट करेंगे लैपटॉप में। तो इसका लैपटॉप है, कल लेके आएगी है। पता नहीं भाई, अरे ऐसे किया, इससे होता क्या है? तो बाकी देखते हैं इस कंपटीशन में कौन जीतता है। फर्स्ट प्राइज 10,000 का है, सेकंड 5,000 का है एंड थर्ड प्राइज है 3,000 का। तो जिसके जितने ज़्यादा लाइक्स एंड शेयर्स होंगे उसको उसी अकॉर्डिंग प्राइज दिया जाएगा। तो अब देखते हैं जो भी होगा। अभी क्लियर नहीं है कि ये अपलोड कहाँ पे होगा, यानी कि जो कॉलेज के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अपलोड होगा या फिर हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो फिलहाल आपको ब्लॉग जो है वो चैनल पर ही देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अभी क्लास में, देखते हैं क्लास में क्या चल रहा है, वहाँ का थोड़ा बहुत देखेंगे नज़ारे। तो अपनी टेस्टिमोनियल शूट होने के बाद सर ने बोला अगर आपके पास माइक्रोफोन है तो आप अपने क्लासमेट्स की वीडियो भी शूट कर दीजिए, क्योंकि उनकी जो वीडियो थी उनमें ऑडियो क्वालिटी इतनी ज़्यादा खास नहीं आ रही थी, सही से ऑडियो जो था वो सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ही शूट कर देता हूँ इनकी वीडियो भी। तो उसके बाद मैंने सबकी वीडियो धीरे धीरे करके शूट की। तो चलिए उसकी क्लिप्स भी अब आपको दिखा देता हूँ। अरे I am Saurav from Sanskar College of Pharmacy. I am pursuing B.Pharm at Sanskar Educational Group. This college provides good transport service for students and the faculty are supporting and helping in nature. Thank you. Myself, Sahil Goswami. I am a student of Sanskar Dekho Education School and now Sanskar College from I am in Sanskar from 2003. I am a regular student. मेरा नाम विपिन कुमार है। मेरा नाम दिशा शर्मा, मैं फ्रॉम B.Pharm फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं B.Pharm फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने गाजियाबाद के पास संस्कार कॉलेज दिल्ली के पास एडमिशन लिया। यहाँ का स्टाफ भी, मेरा स्टाफ काफी अच्छा है और ये हमें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। गुड मॉर्निंग टू बन्नौर विजन धीरा गुलाम गुप्ता फ्रॉम B.Pharm फर्स्ट ईयर एंड आई एम प्राउड टू बी अ संस्कार कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च। The teachers support us in every decision making and they take care of us as a children. I am proud to be a student of Sanskar College of Pharmacy and Research. We are pharmacy! Proud to be a student of मेरा नाम प्रशांत शर्मा, मैं संस्कार कॉलेज से B.Pharm का स्टूडेंट हूँ। यह संस्कार कॉलेज NCR का बेस्ट कॉलेज है, नंबर वन कॉलेज है, बहुत ही अच्छा लाज आप एक तो कुछ इस टाइप का रहा टेस्टिमोनियल सूट।
अब देखते हैं कौन होता है इस टेस्टिमोनियल का विनर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने DSLR से शूट की थी वीडियो, यानी कि जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स थे उन्होंने DSLR से भी शूट की थी, तो उनकी क्वालिटी डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी होगी। बाकी मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब देखते हैं विनर कौन होता है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे किसी भी ब्लॉग में अपडेट कर दूंगा कि इस टेस्टिमोनियल का विनर जो है वो कौन था।